बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। आज जब हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 और उसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 रह चुका था, इसके सारे पार्ट्स हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इसलिए जरा आपने अच्छे तरीके से इसको समझने, आसान से हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसकी स्टेटमेंट बुक के ऊपर आ रही होगी, पेज नंबर 45 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करें। तो इसके चारों पार्ट्स मैंने आपके बोर्ड के ऊपर दिखा दिए हैं, आइए बारी बारी इसको जरा सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ रहा है क्यूब रूट। आपको याद होगा कि ये अंडर रूट के टिप के ऊपर अगर कोई नंबर आता था हम उसको उसके रूट में शामिल कर लेते थे। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू कहलाती है, ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, अंदर आपके पास आ रहा है -125। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसलिए पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को रिराइट करना होगा ऐसे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -125 तो वैसे ही आ जाएगा, और होल पावर 3 थी तो उधर हम क्या करते थे, उसका रेसिप्रोकल कर देते, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/3। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब आपने करना क्या है कि 125 का कर लीजिए एलसीएम, ये छोटी क्लासेस में हमने सीखा होगा। तो देखिए 2 से डिवाइड होता है, नहीं 3 से, नहीं 5 से करके देखिए, 5 to the 10 एंड 5 5 the 25, 5 5 the 25 एंड 5 1 the 5, इट मीन्स 5 3 मरतबा आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कीजिए क्या, जो देखिए इसका मेथड जो है वो करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे माइनस और 125 की जगह आ जाएगा 5 3 times, 3 times आ रहा है, तो मैं 5 की पावर 3 कर लेता हूँ, और जो होल पावर 1/3 है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने किया क्या, ब्रैकेट वैसे ही, माइनस वैसे ही, 125 को मतलब 5 3 मरतबा आ रहे थे, मैंने एलसीएम लिया तो 5 के ऊपर मैंने पावर 3 लगा दी। अगर 5 4 मरतबा आते तो 5 के ऊपर पावर 4 लगा देता, अगर 5 जब 7 times आते हैं तो 5 के ऊपर 7 लगा देता। ठीक है, लेकिन अभी 3 times आ रहे थे, 5 के ऊपर पावर 3 आ गई, ये ब्रैकेट वैसे ही और ये वाली पावर वैसे ही आ गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो इसके ऊपर 5 की पावर है, ये पावर ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ऊपर है ये नीचे है, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हाली 1 आ जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास 32 आ रहा है और इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इधर हम लिख देते हैं कन्वर्ट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो 4, ये 32 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो आपके पास इंडेक्स वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आके 1/4 बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने 125 का एलसीएम लिया था, हम 32 का भी एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 32, 2 16 the 32, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 एंड 2 1 the 2। ठीक है, अब 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले कितने बार थे, 1 2 3, तो 5 के ऊपर 3 लगा दिया, बाहर 1/3 था उसे कट गया, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 आ गया, बाहर 1/4 है। ठीक है, तो अब ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे मुझे बाहर 4 है तो मुझे 4 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं जरा ये देखे मैं करने क्या लगाऊ, 2 को 5 मरतबा ऐसे लिख दिया, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5, और बाहर आपके पास पावर 1/4 आ गई। ये स्टेप हम यहाँ पे भी कर सकते थे, 5 into 5 into 5। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी कर लोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक
ठीक है, तो ये 5:32 का मैंने एलसीएम लिया, तो 5 मिनट पर 2 आ गए, 1 2 3 4 5, और बाय होल पावर 1/4 आ गई। ठीक है, ये मैंने किया क्यों, ताकि पढ़ने वाले को करने वाले को इजीली समझ आ जाए कि मुझे यहाँ पे बाहर 1/4 है, 4 की रिक्वायरमेंट है, ये मैं 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 12 आप लगा सकते हैं, ये एक सिंगल, क्योंकि मुझे इस 2 की जरूरत नहीं है, वो 2 तो वही रखो। ठीक है, या उस तरह वाले 5 कर लो, या इस तरह वाले कर लो। चलो आसानी के लिए मैं जो पहले वाले 4 आ रहे हैं वो कर लेता हूँ, या आप ये ना कहो कि आपने उधर से क्यों किया, चले यहाँ से मैं पहले 4ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई से भी 4। तो 1 2 3 4, ये तो हो गया 2 की पावर 4, और ये जो सिंगल 2 है ये आपके पास ऐसे ही आ गया, और होल पावर आ जाएगी 1/4। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्या क्या, ये जो 4 मरतबा 2 आ रहे थे उसको 1 मरतबा 2 लिखा, पर 4 लगा दिया, 1 2 3 4, ये 4 लगा दिया, और जो मल्टीपल 2 सिंगल आ रहा था उसको मैंने वैसे का वैसा ही रख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करता हूँ कि ये जो पावर है होल, मैं दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पावर है 4 के साथ जो आ रही है, 1/4 के साथ आ रही है, दोनों के साथ मैं अलहदा अलहदा कर देता हूँ। तो देखिए जरा, 2, तो 2 की पावर 4 ये आ गया, और इसके साथ भी पावर 1/4 मैंने यू लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और 2 आ गया, और इसके साथ भी पावर मैंने 1/4 लगा दिया, मतलब जो होल पावर 1/4 आ रही थी इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 4 ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो पीछे रह क्या जाएगा, ये सिंगल 2, इसका 4 4 से कट के ऊपर 1 आ गया, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 2 1/4। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसको, अब आंसर आ तो गया, लेकिन इसको दोबारा हम रेडिकल फॉर्म के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और वो कैसे लिखेंगे, ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इधर कर लेते हैं, ये पहले वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये 2 आप इसको अंडर रूट में लिखिए। अब चूंकि 1/4 थी, तो अंडर रूट के अंदर इंडेक्स वैल्यू में जाके ये 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 तो 1/4 हुआ तो 4 आ गया, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो किया क्या कि भाई 4 मरतबा 2 आ रहे थे, उनको मैंने 1 मरतबा 2 लिखा, पावर 4 लगा दिया, सिंगल वाला 2 मैंने ज्यादा कर दिया। अगर अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई जैसे आपने वहां पे पांचों तीनों को, तीनों पांचों को इकट्ठा कर लिया था, आप 2 के पावर 5 क्यों नहीं कर देते, क्योंकि मेरे पास बाहर पावर 1/4, अगर बाहर 1/5 होती ना तो मैं ऐसे ही करता, अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैं 1/5 कर देता, 5 सीधा 5 से कट जाता, काम खत्म, लेकिन चूंकि पावर 4 थी मुझे उसको इस तरीके से 4 में रखा ताकि 4 के अरेंजमेंट से वो कटिंग हो जाए। ठीक है, तो 4 4 से कट गया, मैंने होल पावर को अलहदा अलहदा कर दिया, 4 4 से कट गया, तो खाली रह जाएगा 2, और ये 2 1/4 वैसे आएगा। अब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 अंदर आ गया, ये 1/4 उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 बन जाता है। ठीक हो गया, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। वो आपके पास इंडेक्स वैल्यू 5 है, और उसके अंदर लिखा हुआ है 5th रूट 3/32। तो यहाँ पे भी हम 32 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 3 ऑलरेडी सिंगल में, उसका मजीद एलसीएम नहीं लिया जाता, तो 32 का एलसीएम, बल्कि ये हमने लिया तो है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 मरतबा आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 32, और होल पावर आ जाएगी आपके पास 1/5। ठीक है, तो अब ऊपर वाला 3 ऑलरेडी सिंगल में है, उसको ऐसे ही रखोगे, 32 क्योंकि वो 5 मरतबा आ रहा है, तो इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर 5। ठीक है, वहां मैंने डायरेक्ट 2 की पावर 5 नहीं लिखा था, क्योंकि बाय होल पावर 1/4 थी, वो 5 और 4 आपस में कट नहीं रहे थे, इधर आपके पास 1/5 ही कट सकता है, इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा होल पावर 5 कर लिया। ठीक है, तो अब मैं जो होल पावर 1/5 है इसके साथ अलग अलग कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 मैंने इसके साथ अलग अलग कर दिया था, तो इन 4 के साथ ये देखें, ये 1/4 मैंने इसके साथ अलग कर दिया, ये 1/4 सिंगल 2 के साथ अलग कर दिया,
तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अब डिवाइड में भी आप ये काम कर सकते हो, आपको अलाउ है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपके पास 3 की ऊपर पावर 1/5 आ जाएगी और 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 वहां पे लेद आ जाएगी, ठीक है। तो भोगा क्या कट देगा, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, तो नीचे रह जाएगा सिंगल 2, ठीक है। ऊपर 1 आ जाएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये वाला 3 और ये अंडर रूट और ये 1/5 था, तो इंडेक्स वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 5 बन जाएगी, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया। अब रही बात, इसको भी आपने ऐसे करना, आप कोशिश करने का आप खुद कर लो, ठीक है, बल्कि आप मेरे साथ साथ कीजिए। तो बताएं जरा क्या करें जी। शाबाश, 8 का भी एलसीएम लेंगे, 27 का भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 8 का एलसीएम देखिए, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 3 टाइम्स 2 आ रहा है। और 27 का भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये 3 टाइम 2 आ रहा है, वो 3 टाइम 3 आ रहा है 8, तो कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा। मैं सीधा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिखिएगा होल पावर 1/3, ठीक है। माइनस वैसे ही अब 8 आपके पास क्या है, वो बन जाएगा 2 की पावर 3, 27 क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3 आपके पास यूं आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, शाबाश, जो होल पावर 1/3 है आप दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर लोगे, ठीक है। माइनस साइड साइड पे सेपरेट होगा, वो आप बेशक 2 के साथ लिख लो, ये नीचे ज्यादातर ऊपर वैल्यू के साथ लिखा जाता है। तो मैं -2 की पावर 3 होल पावर 1/3 कर लिया और नीचे भी आपके पास 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 कर लिया। -1 ही लिखना, याद ऊपर लिखो या नीचे लिखो, एक लिखना, ये नहीं कि ऊपर आपने लहदा माइनस लगा दो, नीचे आपने लहदा लगा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 3 से कट जाएगा, तो रह क्या गया पीछे, ये वाला माइनस, ये सिंगल 2 और नीचे सिंगल 3, इन सब की पावर ऊपर 1 1 आ रही है, लिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ आया होगा। दोस्तों कहिए कि जरूर इनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आपको मेरी स्पीड तेज या स्लो लग रही है तो आप सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड होगी, वहां से आप उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।